नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ मछली पालन उद्योग के लिए। नेचुरल एग्रो फार्म हाउस के थ्रू जो है ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे मैं मिलाऊंगा आप राहुल जी से, जो कि हमारे इसके ऑनर हैं, और इन्होंने कैसे बनाया है, कैसे तैयारी की है, पूरी विधि मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ले चलते हैं। आपका मेरे चैनल देसी खेती जुगाड़ में आपका स्वागत है, और आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिससे कि हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, घर आना चाहें तो आ सकें। जी देखिए, हम पट्टी तहसील के रहने वाले हैं। विलेज मेरा पहलमापुर है जी, और मेरे पिताजी का नाम रतिपाल, श्री रतिपाल सरोज जी, जी। और हम ही लोग पापा से बात करके ये सब सिस्टम को उनसे बोला कि सब कीजिए आप, और आगे प्रोग्रेस होगा। क्योंकि देखिए, जैसे आप हम कहीं बाहर जाते हैं 10,000-15,000 के लिए जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ आप 5,000-2,000-4,000 खर्च कर ही देते हैं खाने पीने। राहुल जी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा जी। बहुत अच्छी सोच रही, लेकिन आपने शुरुआत इसकी कब की? देखिए, पहले हमने इस बात को सुना ही था जी। जी, पहले सुना था कि लखनऊ में इस चीज ऐसे चल रहे हैं जी, सिस्टम। लेकिन हमने पता लगाया दूसरों से जो किया था इसको जी। जी, जैसे कि मैं आज आपके पास आया हूं। आए हैं हमारे पास जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उनके पास गया था, इसके बारे में सारी जानकारियां हमने लिया जी, कैसे कहां से क्या होता है जी, इसके MD कौन है, कैसे हैं और कहां रहते हैं जी। तो इस सब जानकारी से हम उनसे बात किया जी, डायरेक्टली फोन से जी। तो उन्होंने जानकारी दिया, तो एक्चुअली इसके लिए एग्रीमेंट, जैसे खेत आपका खुद ही रहेगा जी, तो सर अगर आप खुद ही रहे तो उसका एग्रीमेंट होता है, जैसे 10 साल का होता है जी, 15 साल का होता है। मतलब अगर मेरा खेत है, मैं करना चाहता हूँ तो भी एग्रीमेंट होगा जी, एग्रीमेंट कंपनी करेगी, कंपनी करेगी उसे, उसका भी कुछ कंपनी पे करेगी, कंपनी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्रीमेंट जैसे किए हैं आप, मेरा है, मैंने एग्रीमेंट आपको कर दिया जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो करने के बाद एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है, जैसे आप कंपनी लगाई है, कल के लिए अगर 1 साल बाद आप बोल दीजिए मुझे नहीं लगाना है तो आप यहाँ से हटा ले जाइए। हाँ, काफी पैसा खर्च करती है, पैसा खर्च होता है इसमें बनवाने में, मछली पालन डालने में, टैंक हर चीज सुविधा देते, देख लीजिए। इससे पहले इसका जो जाली लगी हुई थी इससे पूरा घेरा हुआ था, एक्चुअली हवा की चलते हुए थोड़ा सा फटने लगा, तो ये सिस्टम लगा दिया कि खुलता रहे, अपना हवा भी पास होता रहे और फटेगा भी नहीं, और नेचुरल ऐसे ही बना रहेगा, बाहर न धूप लगने की ज्यादा चांसेस है इसमें। चलिए, मैं अभी आपको ले चलता हूँ टैंक की तरफ। राहुल जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका, ये देखिए तालाब बना हुआ है, इसमें आपने ये एक तरीके से पूरा ये लोहे का कंप्लीट बनाया हुआ है, तो ये राहुल जी ये बताइए, आप बनाए हैं या कंपनी ने खुद बनाया है? नहीं सर, इसे कंपनी ने खुद बनाया हुआ है इसको, मतलब आपका पैसा नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। लेकिन आप टैंक को, जैसे एक टैंक आप लगा रहे हैं जी, जी हाँ, उसका एक सिक्योरिटी जमा होता है 2.5 लाख का, 2.5 लाख रुपया जी, उसका 2.5 लाख अगर जमा होता है तो आपके लगभग साल भर में आपका वो रिटर्न हो जाएगा वो पैसा। अच्छा, वो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा जी, वो कंपनी आपको दे देगी, उसके देने के बाद कंपनी आपको एक, जैसे कि आप पूरा पैसा लौटने के बाद आप 6 महीने बाद फिर आपको एक टैंक के पीछे लगभग 65,000 का इनकम आपको शुरुआती होना शुरू हो जाएगा। मतलब कंपनी मछली डाल रही है, नहीं डाल रही है, उससे कोई लेना देना कोई आपका लेना नहीं, देना है, आपको नहीं, आपको इतना वो एक तरीके से मान के चले कि इसका रेंट देंगे, रेंट वो देना पड़ेगा। लेकिन जैसे रेंट देंगे तो आपको फिर इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, या इसके लिए कंपनी अपना आदमी मुहैया कराती है? एक्चुअली इसको जो है ट्रेनिंग लेना पड़ता है जी, वो कंपनी खुद मुहैया करती है कि आके देखता है कि ये कंपनी और जो जो यहाँ के रहते हैं, जो रहते हैं देख रेख करने वाले, एक ये हैं जी, जी एक हम ही हैं जी। आप परिचय दीजिए सर अपना। सर, मेरा नाम दिनेश कुमार सरोज है जी। तो दिनेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? तो जी, बुआ का घर है। अच्छा, लेकिन आप कंपनी की तरफ से ही आए हुए हैं, तो आपको कंपनी पे करती है आपका तनख्वाह? तो ये बताइए सर, जैसे आपने ट्रेनिंग ली होगी तो इसमें आप अगर खुद बंदा अपना करना चाहे, जैसे कंपनी मान लीजिए दे दी ठीक है, अगर खुद लगाना चाहे तो आप बता सकते हैं सर इसमें कितना खर्चा आता है, एक मतलब तालाब बनाने के लिए छोटा सा?
नेचुरली लगभग ज्यादा नहीं तो लगभग 60-70 हजार रुपया तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये टैंक से लेके हर चीज इसको जो देखिए ईटा जो लगे हुए हैं पूरा उसके मिस्त्री से लेबर, हाँ ये देखिए ईटा से पूरा चारों तरफ से गोल गोल करके किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है जी, 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 जिससे कि ये इसे कोई प्रॉब्लम से ना आए ये मछली या मछली में जीने, जैसे कि कहते ना समतल रहता है पानी जिसे उसमें डाला गया जी थमेगा नहीं निकल जाएगा, इसे नेचुरली इसे बना के अच्छे से टैंक को इसे स्लिप करके इसके ऊपर से जो पॉलिथीन है जो बहुत महंगी हाँ हाँ काफी काफी मोटी है 80 GSM की है ये जी जी, तो इससे आप उसे कर लेंगे तो अगर बना लगभग 60-70 हजार तो आ ही जाएंगे जी, बट उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर आप कोई किसान भाई अगर इससे करना चाहता है हाँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मली एक छोटा किसान भी इसे आराम से इस बिजनेस को कर सकता है, मतलब 60-70 अगर वो 2.5 लाख न देना चाहे खुद करना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी है कि हम बेचेंगे कहाँ पैदा कैसे करेंगे क्या करना वो अपना एडक हो गया उसका, और कितना कमा सकता है क्या नहीं कमा सकता अपनी। फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर जैसे आपने कहा 10 हजार बच्चा अगर लेके चलते हैं तो 8 हजार अगर मान के चलिए कि आपकी प्रोडक्शन होती है तो 8 हजार में क्या केजी से ऊपर हो जाता है बच्चा? बिल्कुल लगभग जान लीजिए कि 6 महीने के अंदर लगभग आप 1 केजी के प्लस हो ही जाता है। हो जाता है तो कहने का मतलब अगर हम 1 केजी भी मान के चलते हैं तो मेरे हिसाब से 9.5 लाख रुपया होता है जी, जी, जी। तो अगर 8 हजार बच्चे इसमें बचे हुए हैं तो अगर हम 120 केजी का रेट मान के चलते हैं, मछली का रेट लमसम यही है जी, अगर थोक में जाता तो यही है ना, तो जितनी मुझे जानकारी है तो मैंने उस हिसाब से लगाया तो कोई बिजनेस में घाटा तो नहीं, 6 महीने में अगर ले 9.5 लाख रुपया में अगर 6 लाख भी बचता है तो बहुत है उसके लिए, काफी है बिजनेस अपने घर पे घर खोल। और टोटल ये सर दिनेश जी आप ये बताइए कितना मतलब हाइट इसका कितना है चौड़ाई कितना है? 15x15 का है जी, मतलब 15 सराउंडिंग में है तो 30 फीट जो है सराउंडिंग इसकी बनती है जी जी जी। तो हम समझ रहे हैं इसमें पानी भी जो है आपको भरना होता तो समरसेबुल से भरते होंगे जी, तो पानी का कोई ये तो नहीं होता खारा पानी हो या मीठा पानी? इसके लिए खारा पानी होता क्योंकि जब भरा जाता है जी तो बच्चा जिसे पानी भर बच्चा डाला जाता है, क्योंकि जो प्यासे जो बैकर मछली होती है जी खारे पानी में होती है। अच्छा इसमें बैकर मछली डाली हुई है कंपनी ने डाला हुआ, तो बैकर का तो काफी रेट है जी। हाँ अगर अगर आप जिंदा निकाल के इसे बेच रहे हैं तो 200+ है, हाँ 220-225 इसका जो है थोक रेट चल रहा है, और नॉर्मल जो आप लोग मांगूर डालते हैं या कुछ डालते हैं तो उसका रेट 150 लगभग, हाँ 120 अपना मतलब हम एवरेज मान के चलते हैं। तो चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे सर मिलके, लेकिन एक चीज ये बताइए जैसे कभी क्या होता है कि किसान भाई पता चला कि 1 मछली 2 मछली जो है ऊपर आ गई जी, इसका मतलब वो मर रही है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए ये है कि आप कंपनी जैसे लगाई हुई है तो उसके लिए कंपनी डॉक्टर होते हैं जी आपकी देखभाल करने के लिए सारी चीजें कि मछलियां मर रही हैं खा रही हैं प्रोग्रेस कर रही हैं कि नहीं कर रही जी 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 जी, तो लगभग महीने में जांच करने के लिए आते भी रहते हैं। अच्छा वो लोग आते हैं और करके जाते हैं? करके जाते हैं जी जी जी, मुआयना करके जाते हैं, फिर उसके बाद अगर एक्चुअली अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधा कॉल से फोन से उनसे कॉन्टेक्ट करके वो सारी जानकारी उनसे ले सकते हैं कि मछलियां मर रही हैं क्या क्या कैसे हो रहा है, आ भी सकते हैं बता भी सकते हैं, हाँ नॉर्मल तो उनको पता चलता रहता है। तो बड़ी अच्छी बात लगी आपकी। अच्छा एक अंतिम सवाल आपका ये है सर जी, अंतिम सवाल ये है सर कि जैसे कि मान लीजिए इनको आपने मैनेज कर लिया तो वो लोग अपनी कंपनी वाले आके ले जाएंगे? जी जी, इस मछली अगर हो गया 6 महीने में तो आज जांच करने के लिए आएंगे, उनको मछली वो अपना लेके चले जाएंगे जी। अच्छा लेटरल आपने ये क्यों बिछा रखे हैं? मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफी लेटरल बिछी हुई है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है। अच्छा इनको ऑक्सीजन देना पड़ता है क्योंकि तो थोड़ा सर कहाँ से है सिस्टम देखिए, ये यहाँ से आया आपका, ये पाइप लगा रखी है, अच्छा यहाँ पे मोटर रखी ऊपर, ये स्विच से आपने ऑन कर दिया और ये पूरा जो है इसमें ऑक्सीजन देखिए मिलना शुरू हो गया ना जी जी जी। अच्छा ऑक्सीजन कितनी देर देते हैं राहुल जी इसमें? अच्छा अगर आपके पास लाइट बिल है तो 24 घंटे, तो आप 24 घंटे भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ऑक्सीजन जितना
जितना बोलम आता है तो वो उतना भागती रहती है मछलियाँ, और जितना राउंडिंग करती है उतना बढ़ने का प्रोग्रेस होता है। अच्छा, उनके मतलब उनकी खुद की जो है चलेंगी भागेंगी उतना ही वो मतलब बड़ी होती हैं, लंबी हो जाती हैं। अगर आप मछली कभी एक स्थिर तो होती नहीं है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, और अगर स्थिर रह रही है तो उनको भागने में कहते ना जिससे कि इंसान हो अगर बैठे ही बैठे रह जाए बिल्कुल, तो चलने में प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल 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 ना, कोई आगे प्रोग्रेस उसका नहीं हो सकता। इसीलिए इस मछली में भी है, जैसे कि मछली है तो अगर मछली राउंडिंग करती रहती है उनको सही सही समय से इनके समय से 3 बार चारा मिलता है जी, दिन में 3 से 4 बार चारा मिलता है। जैसे कि सुबह मॉर्निंग लगभग 5 से 6 के बीच में मिल जाता है जी, लगभग 2 से 3 के बीच में हो जाता है जी, और उसके बाद लगभग 6 से 7 के बीच में जी, जी, इनका चारा पानी होता है, रहता है जी जी। राहुल सर, आपसे एक मेरा पर्सनल सवाल है कि आप जब इसको बिजनेस को डाले हैं उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे और आज कर भी रहे हैं जी, बट साइड बिजनेस है मेरा ये। बहुत बढ़िया, पढ़ाई तो चल ही रहा है। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें आप अगर 6 महीना तक इंतजार करते हैं तो 6 महीने के बाद मैं आपको लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ 5 टैंक जो कि यहाँ दिख रहा है कि 5 टैंक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे 2 टैंक इधर है, 1 टैंक ये है और एक ये आप देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं। ऊपर आपने जो जाली लगाई हुई है मुझे लग रहा है कि शायद 90% है या 95% है ना, 90% की जाली लगी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा सर राहुल जी, और मैं समझता हूं कि आप हमारे जो नवयुवक हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बिल्कुल, मैं आपका नंबर डिस्प्ले पे डाल रहा हूं। जो घर पे बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी, अपना ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं घर पे। अगर उनके पास तो अगर 10वीं बेसा खेत है जी जी, तो वो अच्छे से अपना बिजनेस करके अपने फैमिली को अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते। राहुल जी, ये क्या है, मछली का दाना है? मछली का, हाँ, दाना चारा जी। अच्छा, इसमें कोई ग्रेड वगैरह आता है कि कब कब क्या खिलाना है कि चाहे शुरू से लेकर के अंत तक? नहीं, शुरू से लेकर ये ग्रेड लगभग जैसे जान लीजिए 2 से 3 दिन 2-3 बार खिलाना पड़ता है, और दाने जो है इसके 2-3 वैरायटी के आते हैं, जैसे वही वो वैरायटी जो होते हैं जैसे 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर होते हैं, 4 नंबर तक। तो ये नंबर क्यों होता है सर इनका? इनका जैसे मछली छोटी रहती है, अच्छा, बच्चे रहते हैं वो लगभग 2 नंबर खा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो मछली मर भी सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओवरडोज होने से मर सकती है। ओवरडोज होने से मर सकती है, इसीलिए जैसे प्रोग्रेस होती रहती बढ़ती रहती है, उसी हिसाब से उनके चारा बढ़ता रहता है नंबर। तो जैसे आप इस समय हो गया, इस समय लगभग 1.5 पाव तो हो ही गया है। चलिए तो आप दिखाएंगे, अभी चारा डालिए तो मछलियाँ ऊपर आ जाएंगी जी, देख लीजिए, थोड़ा नजदीक डालिएगा सर जी जी, लगभग हो गई हैं, 200-250 ग्राम की हो गई हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज जो है आपके बीच में आकर के आपकी इस सोच को, मतलब कहते हैं जो आपने सोच पहले पैदा की है उसको फिर मैं दोबारा सलाम करता हूँ सोच को, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए नवयुवक हैं आपसे कुछ फिर प्रेरणा लें, और आपका नंबर मैंने डिस्प्ले पे डाल रखा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो सारे लोग आपसे अगर कुछ पूछना चाहें तो सर प्लीज आप मदद करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।